तो जी व्हाट्सअप, दिस इज योर बॉय पारस एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग गाइस। अभी हम तुर्की में इस्तांबुल में कल रात को पहुंच गया था यहाँ पर। अगर आपने पुराना व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लेना, कल स्कैम होते होते बच गया। पुराने व्लॉग में मैंने दिखाया है यहाँ पर बड़े तरह के स्कैम होते हैं, उनसे बच के। थोड़ा मौसम बारिश वाला हो गया है तो चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आज इस्तांबुल और यहाँ की जो एक स्ट्रीट है नाइट लाइफ वाली। और वहाँ से मैंने कल शोरमा खाया था, बट वो शोरमा सही नहीं था यार, उसने मेरा पेट खराब कर दिया। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, टर्किश रेस्टोरेंट है, लेबनीज रेस्टोरेंट है ये वाला। यहाँ पर मैंने ऑर्डर करा है चिकन स्टेक विद चीज, और उसके अलावा मैंने करा है बकलावा ये वाला, आइसक्रीम के साथ बकलावा ऑर्डर करा है, साथ में कहाँ की टी। और हमने करी है जो कि टर्किश की सबसे फेमस टी है, वो ऑर्डर करी है। तो भी ऑर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं। तो हमारी सबसे पहले तो टी आ गई, टर्किश टी देख सकते हो। और ये है शुगर, कितनी डाल दी है वो अपने ऊपर है। तो हमारा खाना हो गया है डन ब्रेकफास्ट। मैंने जो बकलावा था वो टेक अवे करवा लिया क्योंकि यार फुल हो गया था, मैंने कहा बाद में खाएंगे। और पहले तो होटल जा रहा हूँ मैं, ये रख रहा हूँ सामान। और मेरे पास एक मेडिसिन पड़ी है जो मैं खा के निकलूंगा, क्योंकि कल मैंने जो कबाब खा लिया था ना मेरी तरफ से तो भाई ये घटिया कबाब था। ये है ताकसिम स्क्वायर, जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ, ताकसिम स्क्वायर कहते हैं इसको ना। काफ़ी लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, रात को मैंने कल वाले ब्लॉग में दिखाया होगा आपको। और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जो मेरा बिल आया था अभी रेस्टोरेंट में 550 लीरा बिल आया था। ये रेस्टोरेंट महंगे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ताकसिम स्क्वायर के बाहर है, तो इसलिए महंगे। फाइनली भाई आ गए थे होटल रूम में और मुझे यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर मिल गया था, वहाँ से मैंने दवाई भी ले ली थी। और यहाँ पर भाई सिर्फ फूड की दिक्कत हो गई, नहीं तो मैंने एक्सप्लोर करने जाना था अभी। चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट करके। A few moments later. तो अभी भाई थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है तो बाहर आए हैं। 3-4 घंटे में सो गया था, शाम हो गई है, मतलब यहाँ पर 7 बज गए, अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं दवाई खाने के बाद, कुछ तो फर्क पड़ा यहाँ पर। यहाँ से मैं जा रहा हूँ वो करके लेक पे। पहले तो भाई काफ़ी प्लान्स थे हमारे, बाजार जाना था, ग्रैंड बाजार है यहाँ पर और उसके अलावा मॉल है, तो शायद मेरे को लग रहा है वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा मैं। बट यहाँ पर ही काफ़ी लोकेशन है, वहाँ चलते हैं। और मे बी मैं यहाँ पर आज लास्ट नाइट, कल मैं जा रहा हूँ वापस थाईलैंड, मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा नहीं यहाँ का माहौल। और जितने भी स्कैमर्स हैं यहाँ मिलेंगे आपको, बच के भाई उनसे। भाई मैं कह रहा हूँ मुझे अभी रिसेंटली मिला, मैं वीडियो बना नहीं पाया, पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं, लोकल भी हैं यहाँ के स्कैमर्स, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा ये एरिया। यहाँ पर इतने स्कैमर्स हैं भाई, मतलब आपको लूटने को फिर रहे हैं बस यहाँ पर ना, किसी इंडियन को देख लिया समझ लो कि लूट लिया। और हाँ, ये लोग इंडियंस को ज़्यादा स्कैम करते हैं क्योंकि हम ना जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं किसी के ऊपर, कोई हमको सही गाइड करेगा, हमारा ये सिस्टम है ना। ये इंडियन को टारगेट ज़्यादा करते हैं ये वाले स्कैमर। ये वाले शोर में तो भाई मैं जिंदगी में नहीं कभी खाऊंगा भाई, इतना पेट खराब कर दिया था ना इसने। अभी भाई ठीक हूँ, अभी बहुत हैप्पी हूँ। यहाँ पर आपको लाइन से मिलेंगे शोरमा वाले, सबके अलग अलग प्राइस हैं यहाँ पर। और यहाँ से स्टोर से मैंने एक रेड बुल ले ली भाई, और थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, 30 लीरा की पड़ी मुझे, ठीक प्राइस में पड़ गई। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बहुत है इंडियन, आपको मिल जाएंगे, कराची दरबार पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। आते वक्त कुछ खाएंगे या कुछ ले लेंगे हल्का फुल्का सा, ज़्यादा हैवी खाना नहीं है, मन नहीं कर रहा। मेरे सामने जर्मनी, जर्मन एम्बेसी है भाई। यहाँ पर मुझे स्ट्रीट में सिर्फ बिल्लियाँ दिख रही हैं, देख सकते हो, सिर्फ बिल्लियाँ, कुत्ते नहीं दिख रहे भाई। यहाँ पर भाई जगह जगह बिल्लियाँ रखी हुई हैं लोगों ने, और जगह भी बनाई हुई है बाहर की ना, मेरे को कुत्ते कम बिल्लियाँ ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पर। मेट्रो चलती है यहाँ से ना, हम यहाँ से सीधा जाएंगे मेट्रो के ऊपर। और ये वाला कार्ड है 40 लीरा, मैंने इसमें डला लिए हैं, ये टूरिस्ट कार्ड है भाई। और यहाँ से चलेगी भाई, छोटा सा स्टेशन बना हुआ है ना, ये सारी पहाड़ी से नीचे आया हुआ है।
फाइनली भाई मेट्रो से उतर गए हैं। उस साइड से आया हूँ भाई मैं, वो वाली साइड से ना नीचे। और भाई रोड क्रॉस करके मैं इस साइड आ गया हूँ, और यहाँ पर मतलब काफ़ी कुछ है यार। क्रूज़ भी चलता है यहाँ से, बट क्रूज़ वाला हमने बुक नहीं करवाया, पहले करवाना पड़ता है बुक। उसकी कुछ फ़ीस होती है $60 समथिंग। और यहाँ पर काफ़ी मैं देख रहा हूँ मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ये देखो। बट मुझे यार फीलिंग नहीं आ रही यहाँ पर वो वाली ना, मतलब यूरोप ही है यार, यूरोप में अलग ही फील है यार। स्टैंडर्ड है वहाँ का एक अलग। अभी यूरोप से हो गया आ रहा हूँ ना, तो मेरे को टर्की कुछ लग नहीं रहा। यूरोप मैंने घूम लिया ना अब, तो टर्की का मुझे इतना वो बढ़िया फीलिंग आ नहीं रही यहाँ पर। और ये पीछे जो किले टाइप बने हुए हैं ना, ये सारी भाई मस्जिद है। यहाँ पर एक मस्जिद नहीं है, एक ये है भाई, एक ये सामने है, एक उसके पीछे है भाई, एक उसके भी पीछे है, और एक वहाँ पर है। और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी जगह पर मस्जिद है यहाँ पर ना, वो देखो पूरी भाई सिटी है ये। ये देखो ये सारी पीछे भाई सिटी है पूरी, ऐसे ब्यूटीफुल तो बहुत है। जा रहा हूँ भाई यहाँ से वापस, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। इंडियन खाने का मन कर रहा था, बट इंडियन खाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा इंडियन फूड, क्योंकि अभी अभी बस ठीक हुआ हूँ मैं। यहाँ पर ना टर्किश सूप मिलता है लेबनीज फूड में, तो कुछ हैवी नहीं खाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सूप वगैरह पी लेता हूँ। शोरमा तो भाई कभी नहीं खाऊंगा यहाँ का मैं। और यहाँ पर भाई हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, देख सकते हो अगर लाइट ब्लिंक आपको दिख रही होगी। ये हेलीकॉप्टर टूर भी होता है यहाँ पर, पूरी सिटी घुमाते हैं ये ना। मेरे दिमाग में नहीं था, नहीं तो हेलीकॉप्टर टूर पता कर लेता। 22,000 लीरा का टूर बुक होता है, उसमें क्या है कि आपको सिटी का पूरा टूर करवाते हैं। 20-30 मिनट का ड्यूरेशन होती है टाइम की, तो वो आपको होटल से पिक करते हैं और होटल पे ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पर मैंने ये वाला सूप ऑर्डर करा है, साथ में इन्होंने लेमन दिया है, सूप और ये ब्रेड दिए भाई। ब्रेड मैं कम ही खाऊंगा, बट सूप ज़्यादा पीऊंगा। रात को आगे भाई सो गए थे, और मतलब मेरा मन नहीं करा बाहर जाने का, देखने का नाइट लाइफ वाला माहौल, क्योंकि यहाँ पर इतनी वो वाली नाइट लाइफ नहीं है जैसे मतलब रेड लाइट एरिया। मोस्टली यहाँ पर होते हैं स्कैम्स, तो मैंने कहा यार कोई ना कोई स्कैम ना हो जाए तो वो बेटर है कि रात को आगे सो जाओ। कल की रात लास्ट थी मेरी, आज मैं जा रहा हूँ वापस थाईलैंड। यहाँ से मेरी फ्लाइट है सीधा बैंकॉक की, 9 घंटे की फ्लाइट है, फिर से 9 घंटे मतलब बैठना पड़ेगा प्लेन के अंदर। यहाँ सिटी से लोकल मेट्रोस चलती हैं, जो कि आपको सीधा एयरपोर्ट तक ले जाएंगी, और आपके मात्र 50 लीरा लगेंगे, सिर्फ 50 लीरा से ऊपर नहीं लगेंगे। टैक्सी वाले यहाँ से भाई 500-1,000 लीरा ले लेते हैं। मैंने पूछा एक टैक्सी वाले से, उसने बोला कि भाई 1,000 लीरा लूँगा मैं यहाँ से एयरपोर्ट तक। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो अगर मेट्रो ही है जो 50 लीरा में आपको पहुँचा देगी सीधी। बट टैक्सी में ये फ़ायदा है कि आपको सीधा होटल से ही बैग रखना है और आपको सीधा एयरपोर्ट पर मिलना है। यहाँ पर थोड़ी सी खज्जल खराबी हो जाती है, बैग लेके जाओ फिर वो पहाड़ी सी उतरो, फिर उसके बाद मेट्रो जाओ। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी दूसरी लगी हुई हैं भाई, एलिवेटर किसी किसी में लगी है, उसके बाद नीचे आ गए हैं बहुत। नेटवर्क भी नहीं आते भाई नीचे, सबसे अंडरग्राउंड है ये वाली मेट्रो जो है ना। चलो वेट करते हैं भाई अपनी मेट्रो की, फिर पहुँचते हैं सीधा एयरपोर्ट। और यहाँ पर भाई ये वाला जो कार्ड है ना, वहाँ पर रखना है अपने, और इसमें पैसे डाल देने जितने भी आपने रिचार्ज करने हैं। मैंने अभी 20 लीरा रिचार्ज करवाए। फाइनली पहुंच गए हैं भाई एयरपोर्ट, अभी जाके देखते हैं अगर बोर्डिंग पास मिलता है तो। 1 बज गया है और मेरी जो फ्लाइट है 5:50 पे मेरी फ्लाइट है। चलते हैं भाई बोर्डिंग पास लेते हैं पहले जाके ना।
और यहाँ पर तो भाई गेट पे ही इन्होंने सिक्योरिटी चेक लगाया हुआ है, चेक कर सकते हो यहाँ पर, आपको सिक्योरिटी क्लियर करके आना पड़ेगा। और ढूंढते हैं भाई हमारा टर्किश एयरलाइन का काउंटर, फिर वहां से लेते हैं भाई अपना बोर्डिंग पास। फाइनली भाई हमको बोर्डिंग पास भी मिल गया है, और यहाँ पर भाई जो चेकिंग होती है ना, लैपटॉप नहीं निकालते यहाँ पर, ये चीज बढ़िया लगी। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई, यहाँ पर लाइव म्यूजिक चल रहा है, लाइव म्यूजिक क्या भाई एयरपोर्ट पे ड्रोन बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई, मैं कह रहा हूँ चल के बंदा थक जाता है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। फाइनली भाई आ गए हैं अपनी सीट पे, इन्होंने एक ब्लैंकेट दिया है और एक पिलो दिया है भाई, और ये वाले भाई एयरफोन्स दिए हैं, इसके साथ कनेक्ट करके हम मूवी में भी देख सकते हैं। व्यू देखो भाई बाहर का क्या बात है, गलत जगह पे सीट दे दी, यहाँ पर टायर होते हैं भाई, जब ये नीचे उतरता है ना प्लेन ठक करके बजते हैं, और बिल्कुल इंजन है यहाँ पर, आवाज़ बहुत आएगी, चलो कोई बात नहीं। ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, 9 घंटे का सफ़र होने वाला है, यहाँ से 9 घंटे लगेंगे थाईलैंड पहुँचते, अभी यहाँ पर 4 बजे हैं और सुबह 6 बजे थाईलैंड के पहुँचूंगा मैं, तो मिलते हैं आपको सीधा थाईलैंड। साढ़े 9 घंटे के बाद, इतने सफ़र के बाद पहुंच गए हैं वापस थाईलैंड, इमिग्रेशन पे क्लियर करवा के मिलते हैं आपको एक सेकंड में। फाइनली भाई 15-16 दिन के ट्रिप के बाद मैं पहुंच गया थाईलैंड वापस, ये मेरा दूसरा घर है, पहला घर तो इंडिया है भाई पंजाब अमृतसर, और दूसरा घर है भाई थाईलैंड। तो यहाँ पर ही हमारी सीरीज खत्म होती है भाई यूरोप एंड टर्की की, आई होप कि आपको मिलेंगे जल्दी नए व्लॉगों के साथ, और आई होप कि आपको पसंद आए होंगे यार सारे व्लॉग, तो लाइक कमेंट शेयर ठोक देना सबको यार, मतलब अगर पुराने व्लॉग नहीं देखे तो भाई जरूर देख लेना जाके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और जल्दी मिलते हैं आपको नए व्लॉगों के साथ, मे बी कोई और कंट्री में, बाकी कमेंट करके गेस कर सकते हो नेक्स्ट कहाँ जा रहा हूँ मैं। ठीक है चलते हैं भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय बाय।